गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लैश विद अवेज, जहां मैं आपको सिखाता हूँ क्लैश ऑफ क्लैंस की स्ट्रेटजीज जो आपको इजीली 3 स्टार दिला सके होम बेस और विल्डर बेस दोनों में। यो गाइस, तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उन्हें मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ये एक बहुत ही एक्टिव चैनल है, तो आपको रोज़ नए नए वीडियोज़ मिलते रहेंगे। अभी थोड़ा मैं बिजी था इसलिए वीडियोज़ नहीं डाल पा रहा था, लेकिन अब मैं आ गया वापस। तो चलिए फिर बढ़ते हमारे वीडियोज़ की तरफ। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आते हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा गाइस। सो गाइस, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे अक्टूबर क्वालिफायर चैलेंज को हम 3 स्टार कर सकते हैं। यहाँ पर ये नया चैलेंज आया है, यहाँ पर अक्टूबर क्वालिफायर चैलेंज, तो इसके 3 स्टार करने पर आपको मिलेगा 2 रिसर्च पोर्शन, 21 जेम्स और 400 XP। यो, ये रिवार्ड्स कमाने के लिए हम देखते हैं कैसे इजीली हम ये बेस 3 स्टार कर सकते हैं। पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा गाइस, और अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अटैक की तरफ। ये देखिए, ये बेस है हमारा, तो इसमें आप देख सकते हैं अलग अलग कंपार्टमेंट्स है, तो यानी कि कंपार्टमेंट बेस है, देख सकते हैं आप कंपार्टमेंट्स मैंने दिखाया है। तो हम इसमें कंपार्टमेंट वाइज ऐड करेंगे, पहले यहाँ हम बैटल बीम छोड़ेंगे इस पोजिशन में और फिर दूसरा अटैक में बताते जाऊंगा पूरा अटैक आपको। देखिए, पहले 3 बलून्स छोड़े मैंने और फिर बैटल ब्लिम, और यहाँ पर आपको बैटल ब्लिम को मैन्युअली ओपन करना पड़ेगा, यानी कि बटन प्रेस करके एग्जैक्ट इन्फर्नो टावर के ऊपर और रेज डाल दीजिए। तो ये देख सकते हैं आप कि डिस्ट्रॉय हो चुका है, सिर्फ एक्सपो थोड़ा बच गया है, वो बाद में डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब हम आर्चर क्वीन डिप्लॉय करेंगे वहाँ पर हीलर्स के साथ, और फिर सुपर वॉल ब्रेकर से वॉल तोड़ दिए, और ये साइड में आप देख सकते हैं मिनियन से थोड़ा क्लियरिंग कर रहा हूँ मैं। और अब हेड हंटर डालेंगे और आर्चर क्वीन और स्कैटर शॉट को कर देंगे फ्रीज। यहाँ पर ये ध्यान रखेगा आपके आर्चर क्वीन एबिलिटी यूज नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, स्निकी गॉब्लिंस डिप्लॉय करके मैं साइड बिल्डिंग्स क्लियर कर रहा हूँ यहाँ पर। और अब थोड़े बलून डाल देंगे, 4-3 यहाँ पर और 2 उधर, और विजार्ड्स डाल देंगे। अब यहाँ पर हम बची हुई जगह पर बार्बेरियन किंग डिप्लॉय करेंगे, सीसी निकल चुके हैं। देखिए, दोनों के दोनों पॉइजन यहाँ पर यूज़ कर लिए है, और वहाँ पर जंप स्पेल भी डाल दिया है। अब ये देखिए, बार्बेरियन किंग हमारा जा चुका है, और अब हमने छोड़ दिया लावा हाउंड और सारे बलून्स। बलून्स अलग अलग छोड़िएगा, एक साथ मत छोड़िएगा सारे। और ग्रैंड वार्डन एयर मोड पर, थोड़ी देर बाद रॉयल चैंपियन भी डिप्लॉय करना है। तो देखिए, वो जो एक्सपो बच गया था उस पोजीशन में हम डिप्लॉय करेंगे हमारा रॉयल चैंपियन, और यहाँ पर टाउन हॉल डिस्ट्रॉय हो चुका है। फ्रीज एक बचा हुआ है अभी भी, तो वो हम जो सिंगल इन्फर्नो उस पर यूज कर लेंगे, और जो मिनियंस बचे उन्हें साइड बिल्डिंग्स क्लियर करने में लगा देंगे। तो देखिए, रॉयल चैंपियन फुल हेल्थ पर है, आर्चर क्वीन भी फुल हेल्थ पर है, एबिलिटी भी बची हुई है रॉयल चैंपियन की, तो इजीली अभी अटैक हो गया है हमारा 3 स्टार अटैक। तो अगर इस वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। हमारा अटैक यहाँ पर 3 स्टार हो चुका है, तो अब मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय गाइज़।